विधानसभा चुनाव में हार के बाद जहां कांग्रेस में चुनावी समझौतों को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं पार्टी में मौजूदा चुनाव के दौरान किए गए गठबंधन को फौरन खत्म करने की मांग उठ रही है। पार्टी का एक बड़ा तबका चाहता है कि असम कांग्रेस को फौरन AIUDF से अपने गठबंधन को तोड़ते हुए महातोज को खत्म कर देना चाहिए। वहीं पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीद असम और केरल से थी। असम में मौलाना बद्रउद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन पार्टी को महंगा पड़ा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हमें AIUDF के साथ अपना गठबंधन तुरंत तोड़ देना चाहिए। इसके लिए हार के कारणों की समीक्षा के लिए बनी सहमति की रिपोर्ट पर इंतजार नहीं करना चाहिए। वहीं असम चुनाव में पार्टी की तरफ से चुनाव का जिम्मा संभाल चुके कांग्रेस नेता ने कहा है कि AIUDF के साथ अपना गठबंधन खत्म करने में जितनी देर करेंगे उसका नुकसान दूसरे राज्यों में भी होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, क्योंकि भाजपा AIUDF नेताओं के बयान के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भविष्य में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ कोई संबंध नहीं रखने के ऐलान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि असम में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इस गठबंधन से पार्टी को नुकसान और AIUDF को सीट का फायदा हुआ है। हालांकि उसके वोट बैंक में पहले के मुकाबले कमी आई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 30% वोट के साथ 29 सीटें मिली। वर्ष 2016 के चुनाव में पार्टी को लगभग 31% वोट मिले थे और 26 सीट पर जीत दर्ज की थी। AIUDF को इस साल 16 सीट के साथ लगभग 9% वोट मिले हैं। वहीं साल 2016 में AIUDF सिर्फ 13 सीट पर जीत पाई थी। पार्टी नेता ने कहा है कि मौलाना बद्रउद्दीन अजमल का कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होता तो UDF इतनी सीट नहीं जीतती। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।